ओम श्री गणेश नमः। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 30 दिसंबर गुरुवार आज के कन्या राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। दोस्तों आज के दिन कोई भी गलत कदम उठाने से दूर रहें, उससे बचें। हालांकि आज आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें देर सवेर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। व्यापार में प्रतिस्पर्धा का भी आपको सामना करना पड़ेगा और साथ ही भाई बंधुओं और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन ज्यादा मेलजोल आज कलह का कारण बन सकता है, इसका ध्यान रखें। आज सार्वजनिक मान सम्मान प्राप्त होगा, परिजनों का सहयोग मिलेगा और दोस्तों के साथ आप समय बिताकर काफी आज खुश रहेंगे। आप अपना जिद्दी व्यवहार छोड़कर समाधान पूर्ण व्यवहार रखने की भी आपको जरूरत है, नहीं तो लाभ होते होते हाथ से निकल सकता है। अपनी नौकरी और व्यापार में कुछ नवीनता लाने की कोशिश करें, साथ ही कुछ नए कामों में हाथ आजमाएंगे तो लाभ की स्थितियां उत्पन्न होंगी। जीवन साथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है। आज खर्चों की अधिकता रह सकती है जिसकी वजह से आपका बजट कुछ बढ़ा जाएगा। कोई दुखद समाचार मिलने से आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा और आपकी कार्य क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। घर में नकारात्मक माहौल उत्पन्न होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैसा रहने वाला है। वर्तमान समय में व्यवसायिक गतिविधियों को विस्तार करने के लिए कुछ नई योजना बनानी पड़ेगी। इस समय बहुत ही उचित ग्रह स्थिति बनी हुई है, इसलिए इन योजनाओं को आप तुरंत ही क्रियान्वित कर सकते हैं। इससे आपको व्यापार में अधिक मजबूती मिलेगी और नौकरी पेशा जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आप अपने प्रयास जारी रखें, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं घर परिवार की। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद वे इसने परिवार में सुखद वातावरण बनाकर रखेगा। सभी सदस्यों का आपसी तालमेल बना रहेगा, बच्चे भी आज्ञाकारी और अनुशासित रहेंगे, भाई बहनों से संबंध मजबूत होंगे, माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है, किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जीवन साथी से संबंध मजबूत होंगे, मधुर होंगे, मन मुटाव समाप्त होगा और रिश्तों में अधिक मधुरता आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। उन रिश्तों की बात करें जो अलग से हैं तो उनमें आज सकारात्मक बदलाव होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आज स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ये समस्याएं मौसम जनित भी हो सकती हैं, जैसे खांसी, कफ, गले में दर्द और अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखें। नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, भगवान विष्णु को कच्चे नारियल और मिश्री का प्रसाद का भोग लगाएं और इसका प्रसाद भी बांटें और इसी के साथ 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय विष्णु से लिखें। धन्यवाद दोस्तों।